हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी नवरात्रि आप सबको और जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आज थोड़ा सा काम ज़्यादा था क्योंकि मुझे मंदिर भी साफ़ करना था, मंदिर में पूजा की तैयारी भी करनी थी। और इसमें तो मैंने आप पूजा की तैयारी कर ली है, मैंने पूजा की और मैं जल्दी से पूजा करके फिर मैं आई नीचे जहाँ पे कि मंदिर में हमारी माता रानी की नई मूर्ति की स्थापना होने वाली है, उसके लिए कलश यात्रा थी तो मेरे को भी करनी थी कलश यात्रा, तो हमने की कलश यात्रा। कलश यात्रा में तो खूब इंजॉय हुआ, बड़ों ने भी इंजॉय किया, हम लेडीज़ ने सब ने बहुत भर भर के डांस किया और कोई रुक ही नहीं रहा था। और बच्चों ने भी तो खूब इंजॉय किया, बच्चे जय माता दी करते हुए सब जा रहे थे। अब आई माता को स्नान कराने का टाइम, वो तो माता को जल से अभिषेक कराया गया, फिर उनको हल्दी लगाई गई जो कि खुद ही पीसी गई थी, और फिर उनको लगाई गई मेहंदी, तो की मेहंदी, और मेहंदी वो सबके लिए थी तो सबको लिए कोई भी लगा सकता था, तो माता को लगाई गई हल्दी और सब ने लगाई। हल्दी के बाद आते हैं माता को, उनको लिटा के उनको चावल अन्न दान दिक्कत में चावल में उनको रखा जाता है माता को, तो ये उनको लिटाया जा रहा है जो कि मूर्ति बहुत हैवी थी तो एक आदमी तो नहीं हिला सकता, तो सब मिलके उनको रख रहे थे ताकि मूर्ति खंडित ना हो, आराम से रखी जाए। और ये मेरे दोनों बच्चे इधर उधर बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद हुई आरती, तो ये आरती हुई शाम की, और आरती के बाद हुआ प्रसाद। प्रसाद सबके लिए व्रत वाला प्रसाद बना था क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोगों का व्रत होता है आज के दिन, तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जो कि मूर्ति स्थापना की थी नवरात्रों में, जो कि 3 दिनों तक चलेगी। उसके बाद मैं आपको साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी ही, तो मेरे सारे न्यू वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके बाय।